और गाइस तो कैसा हाल चाल, स्टॉप लॉस लगाओ, पैसा बचाओ। ग्रो में जैसे आप लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ में बहुत बंदों को लगता है कि हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो इस यह वीडियो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हम आज पूरा का पूरा बात करने वाले हैं कि ग्रो में जैसे आप लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, लाइव दिखाऊंगा। और आप लोग ऊपर देख सकते हो मेरा जो प्रॉफिट है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ स्टॉप लॉस एंड ट्रिगर प्राइस। स्टॉप लॉस अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि स्टॉप लॉस में बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन वाला वीडियो क्लिक कर लेना। अभी मैं थोड़ा बहुत ऊपर बता देता हूँ आप लोगों को। मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है, आप लोगों का जो भी करेंट प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है अप्स डाउन, उसी में आप लोगों का परचेस हो जाता है। जैसे आप लोग परचेस करते हो या फिर जैसे आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो, तो जो भी आपका जैसे वो प्राइस पॉइंट टच होगा, वहाँ से जहाँ भी मतलब अप्स डाउन होंगे, तो वहाँ में मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपका लॉस भी हो सकता है अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो, अगर यहाँ में वॉलेटाइल ज़्यादा होता है तो। तो यहाँ में लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, लिमिट ऑर्डर में आप लोग का एकदम रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आप लोग एक लिमिट सेट करते हो। अपने ब्रोकर जो भी है उनको एक ऑर्डर देते हो कि मेरा जो भी स्टॉक है इसको आप एक लिमिट में ही सेल करना, और वो लिमिट आप खुद से सेट कर सकते हो, आप कितना ज़्यादा लॉस पे उस सिक्योरिटी को सेल करना चाहते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोगों को लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ में नहीं दिया जाता है। क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस अगर दिया जाएगा तो यहाँ में बहुत ही वॉलेटाइल है, तो आप लोगों को बहुत ही लॉस हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ में लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर दिया गया है, तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर में दो पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, ट्रिगर प्राइस और प्राइस लिमिट। सो यही दो पॉइंट, इन दो पॉइंट में हम लोगों को अभी बात करेंगे कि कैसे स्टॉप लॉस सेट किया जाता है। चलो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग एक प्राइस को ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर प्राइस में डालने से पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। मैंने एक लॉट निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग में परचेस किया, 50 शेयर्स, तो एक शेयर का मुझे एवरेज 6 रुपीज़ गिरा है। सो 6 रुपीज़ में मैंने परचेस किया है एवरेज। आप जितना भी प्रीमियम दिए होंगे उस हिसाब से आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 10 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम दिया होगा, तो आप लोगों को उसके हिसाब से अगर आप लोग 5 रुपीज़ में स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आप लोग 50% अमाउंट डेप्रिसिएट होने के बाद लगा रहे हो, मतलब आधा पैसा डूब जाएगा उसके बाद स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो आप जितना रिस्क कैपेसिटी है आपका उसके हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस लगा लेना। सो जो कि मैंने 6 रुपीज़ पर शेयर परचेस किया था, मैंने 4.4 रुपये 50 पैसे में मैं लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस। तो जितना भी पैसे में आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, सबसे पहले ट्रिगर प्राइस में आप लोगों को वो डाल देना है। तो 4.50 रुपीज़ मैंने डाल दिया। लिमिट प्राइस में आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों ने ट्रिगर प्राइस में डाला है उससे नीचे आप लोगों को थोड़ा सा 5 पैसा 10 पैसा नीचे में आप लोगों को लिमिट प्राइस लगा देना है। मैंने 4.45 पैसे में लगा दिया है। उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देना है, आप लोगों का प्लेस हो जाएगा सेल ऑर्डर प्लेस, और नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा सेल। जैसे ही ये ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोगों का जो है इसका वैल्यू 6 रुपीज़ अभी 5.15 रुपीज़ है, इससे जैसे ही 4.45 होगा आप लोगों का सेल हो जाएगा। बहुत आसान था। सो आई होप आप लोग समझ गए कि जैसे इसका प्राइस नीचे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक लिमिट ऑर्डर में सेल हो जाएगा, हमारा ब्रोकर कर देगा सेल। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है ग्रो में कितना ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, तो आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता ग्रो ऐप कैसे यूज़ करना है, तो आप लोग राइट वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हो। तो